हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहे। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। ये कौन है हम सबको पता है। ऐसे कीचड़ से सने भागते हुए इंसान को हमने कई फिल्मों में देखा है, लेकिन अभी जो दौड़ रहा है वो शूटिंग के लिए नहीं है। फिर क्या एटीएम से पैसे निकालने के लिए भाग रहा है, या फिर जॉगिंग करते समय जमीन पर गिर पड़ा? इसके पीछे कोई भाग रहा है या ये किसी के पीछे भाग रहा है? ये कैसे थे और क्या हुआ? सॉरी भाई, मेरी बाइक पंचर हो गई है। किसी ने बताया कि आगे एक पंचर की दुकान है, आप मुझे रास्ता बता सकते हैं क्या? हाँ, सीधा, हाँ, लेफ्ट। मैं हिंदू हूँ। ओ, चर्च है क्या? हाँ, वहाँ पर घूंघट में डांस होता है क्या? नहीं होता है। लेग पीस मटन की दुकान है। थैंक यू, थैंक यू। वहाँ पर एक रोड है, उसी रोड से जाना है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। वो क्या है कि मैं भी धोखा दे देते हैं। आपने बिल्कुल सही बताया ब्रो,
थैंक यू वेरी मच, आप संभल कर जाना। हाँ ठीक है। अरे ये तो बहुत भारी है, आई कैसे उठाऊंगा, कई महीना उठ जाऊं। आई है कोशिश करता हूँ। मर गया भाई। हे भाई इधर देखकर काम करना, मेरा कान मत काट देना। पूरे दुनिया में इसके जैसा फैन नहीं देखा। कब तक तू इस कॉमेडियन की कॉमेडी को फॉलो करता रहेगा? ए वर्की, तुम लोग अपने कस्टमर को हमेशा यही दिखाओगे क्या? तुम्हारे टीवी में दूसरा चैनल नहीं है क्या? चैनल चेंज करने पर आपका कान कट जाएगा, चलेगा क्या? नहीं बाबा। भाई अरे सुनना भाई, इसके जैसा बाल काटना, कोली है। ए, अरे ये क्या बोलना चाहता है? कभी आईने में तूने अपनी शक्ल देखी है? विराट कोहली जैसे बाल चाहिए तुझे। रविंद्र जडेजा की तरह पिछली बार तूने बाल कटवाए थे, गर्लफ्रेंड चेंज किया क्या? हाँ यार, मैंने उसके लिए हेयर स्टाइल चेंज किया और हाँ। उसने तो बॉयफ्रेंड ही चेंज कर दिया। पर मैं थोड़ी ना चुप बैठने वाला हूँ, मैंने भी नई गर्लफ्रेंड पटा ली और वो विराट कोहली की फैन है, इसीलिए वैसी हेयर स्टाइल होगी तो प्यार बढ़ेगा। हाँ बेटा, तेरे बाप ने उस जमाने में गावस्कर से लेकर कपिल देव तक सभी की हेयर स्टाइल ट्राई की और आखिर में उसने तेरी माँ से शादी की और अब उसके सर पे कोई बाल ही नहीं है। तेरे लिए भी ऐसी ही कोई एक अच्छी लड़की जरूर आएगी। अरे कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकते क्या? करण मैं जरा बैंक जाकर आता हूँ, तू दोपहर के बाद परचेज करने जाना ठीक है? मुझे देखने आए हो ना? जब मेरे पापा थे तब आना चाहिए था ना, उनके जाने के बाद क्यों आए हो? ए, ए, मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, बिना सुने क्यों जा रहे हो? क्या चाहिए? इस ओटी में सबसे बड़ी वीआईपी मैं हूँ, मुझसे ऐसे अकड़ कर बात मत करो, समझे? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे, कुछ गलत कह रही हूँ क्या मैं? अच्छा मुझे ये बताओ, इस शहर में तुम्हारा कोई फ्रेंड है? ए सुनो, जब मैं बात कर रही हूँ तो चुपचाप खड़े होकर बात सुनो। जब मैं कहूंगी कि मुझे देखने आए हो तो चुपचाप हाँ कहो। अगर मैं पूछूंगी मैं खूबसूरत दिखती हूँ तब भी हाँ कहना, समझ गए ना? मैं खूबसूरत दिख रही हूँ ना? मारे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए। हाँ यही है। सीडी पार्ट 3 है ना? इसमें ऐसा ही लिखा होता है, लेकिन वो दुकान वाला बेवकूफ है। उस दिन मैंने उससे कहा था मुझे ब्लू वेलवेट पिक्चर दो, और जब घर में आकर देखा तो उसमें सारे लोग बिना कपड़ों के खड़े थे। इसे भी सुनाई देता है, तुम्हें भी सुनाई देता है, फिर चिल्ला के क्यों बात कर रहे हो? ब्लू हिल मूवी देख कर आए हो तो क्या ब्लू हिल तक पहुंचा दोगे? जाओ सो। क्या बोल रहा है ये? नॉनसेंस। तेरी आरज़ू।
ये लो, इसमें टॉप अप कर दो, टॉप अप, टॉप अप। अरे इस समय किसे फोन लगवा रहे हो? ऐसा नहीं है भाई, फोन साथ में रहता है पर बजता नहीं है तो लगता है साथ में कोई नहीं है, तो आई फील लोनली। मेरे घर में 5 फोन है, सबके पास फोन है, फिर भी सब लोनली है। हाँ? हाँ। गगन से भी ऊंचा मेरा। हाँ? हाँ, 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 हाँ। क्यों पकड़ लिया आपने मुझे ऐसे? बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकता क्या मैं? सर पे हाथ रखते ही रोने लग जाता है। तो इसके बाल मैं कैसे काटूं? मैं क्या करूं, ये अपनी माँ पर गया, छूते ही चिल्लाने लगता है। तो इसमें गलती तुम्हारी है ना बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ। हेलो बेटी, पास की गली में एक फंक्शन है, मेकअप घर में कर लिया है, फाइनल टचअप करना है। अंकल ये कह रहा है यहाँ लड़कियों का आना मना है, ऐसा है क्या? अरे नहीं नहीं, तू कभी भी आ सकती है। सुन लिया ना, परेशान मत करो, मैं कोई जेंट्स टॉयलेट में थोड़ी फंसी हूँ। ए चुप चुप, रो मत, बाल काटने दे। ए बाल काटने दे यार, कितना रोता है ये। चुप बैठते हो या दूं एक थप्पड़? बिल्कुल चुप। कट कर ना इडियट। मुझे चमाट पड़ते ये चुप हो गया। इस मामले में मेरे जैसा ही है सर। अच्छी फैमिली है सर। अच्छा एक बात सुनो, पूरे शहर के लोगों के बाल काटते हो तुम, अपना हेयर स्टाइल ठीक नहीं कर सकते? सर इसे देखो, इसका हेयर स्टाइल कितना अच्छा है। तुम जो कह रहे हो वो सही है। अच्छा ठीक है, एक सेल्फी ले, चल जा, नखरे दिखा रहा है। ए सुन, चल तू। या श्योर। मेरे एक फ्रेंड ने बैंकॉक में एक चिंपांजी के साथ फोटो लेकर फेसबुक पर डाली है, अब देख मैं भी डालूंगी। अच्छा एक बात बता, खूबसूरत लग रही हूँ ना? भाई कार स्टार्ट नहीं हो रही है, आसपास कोई मैकेनिक है क्या? क्या? ओ मेरा चेहरा देखेगा तभी समझेगा। ठीक है, दूसरा कोई चारा भी नहीं है। हड्डी को देखकर जितना खुश होता है, मुझे देखकर ये खुश हो रहा है, बात क्या है? हाँ मैं हूँ, करेक्ट करेक्ट, मैं समझ गया, मैं विवेक हूँ, तू मेरा फैन है, तू मेरी कॉमेडी बहुत देखता है, यही ना? बहुत बहुत थैंक्स, हाथ मिला। यहाँ कोई आसपास मैकेनिक हो तो बताओ, कार ठीक करवानी है। क्या बोला, यहाँ ऊटी में मैकेनिक ही नहीं है? अच्छा मैकेनिक दूर है क्या? अरे तो अभी क्या करूँ मैं, कार कार इधर ही छोड़ दूँ? रात को शेर इसे बेडरूम समझ कर इसमें सो गया तो क्या करूंगा मैं? कार तू घर पे? अच्छा तू मेरे घर को बम से उड़ाने वाला है क्या? अब तू इतना तेज बोलेगा तो मैं कैसे समझूंगा भाई? तू
मेरे साथ कार कल सवेरे। ओ अच्छा, घर पे छोड़ेगा तू? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है तेरी बात समझाना। मैं क्या, तू मैकेनिक के साथ भागने वाला है? लेडी मैकेनिक है क्या? हाँ अच्छा, वो मैकेनिक तेरा फ्रेंड है, ठीक है। लेकिन वो क्या है कि ये कार, ओ विजिटिंग कार्ड भी है, रॉयल सैलून। तू इधर ही अपना बाल कटवाता है क्या? दूसरे का काटता है क्या? अच्छा तुम्हारा नाम क्या है भाई? नाम पूछ रहा हूँ, स्वेटर क्यों बिन रहा है? अच्छा तेरा नाम बांसुरी है क्या? बहुत ही अलग है, करण। अच्छा मैं तेरे भरोसे अपनी गाड़ी छोड़ रहा हूँ। हाँ गाड़ी किधर लेकर आनी है वो पूछ रहा है? तुमने अपना नंबर मुझे दिया है ना, मैं एड्रेस भेज दूंगा, वहीं पर लेकर के आ जाना, चलेगा ना तुम्हारे लिए? ये लो पैसे रख लो। तुम्हारा फ्रेंड मैकेनिक है तुमने बताया ना, फ्री सर्विस करेगा तो फ्रेंड नहीं रह जाएगा। ये लो रख लो इसे, रखो। ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी मैं यहाँ से घर कैसे जाऊं? कोई रास्ता है क्या? हैं? क्या हुआ? हाँ हाँ अच्छा, शूटिंग के लिए नहीं, अपने पर्सनल काम से आया हूँ यहाँ मैं। ये जो है ना, ये मेरा गेस्ट हाउस है, किसी को ये बात पता नहीं है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। कोई नहीं जानता मैं यहाँ रहता हूँ, और किसी को बताना भी मत। कसम खा रहा है तू? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ कार लेकर के आना टाइम से, ठीक है? हाँ हाँ। अब क्या हुआ? हाँ क्या? हाँ थैंक यू। क्या आदमी है? करण तुमने खाना खाया? चिकन खाएगा? ये ले। क्या हुआ? पैसा भर दिया तुमने? ठीक है तू खाना खा। हम दोनों के बीच जो डीलिंग हो रही है वो बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। पता चल गया तो बेइज्जती हो जाएगी। किसकी? मेरी। आ, मर गया। क्या भाई गाड़ी रिपेयर हो गई? क्या खराबी थी? छोटी सी प्रॉब्लम थी क्या? नट नहीं है उसमें? हैं? तेल खत्म हो गया था तो क्या कि ड्राइवर सब कुछ देखता है इसलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। सॉरी भाई, छोटी सी चीज के लिए मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। पास में ही तुम्हारा घर है? माँ बाप साथ में हैं? बाप को सर दर्द, माँ को दांत दर्द है? हैं? तुम्हारे माँ बाप नहीं है? ओ सॉरी। क्या अनाथालय में पले हो तुम? ओ हाँ, तुमने बोला था कि मेरी कॉमेडी बहुत देखते हो तुम, तुम्हें सब समझ में आता है क्या? हाँ क्या समझ में आता है? ओ कैसा था, कैसा हो गया? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ए, 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 क्या निकल रहा है? ओ डब में है क्या?
डोंट वरी, मेरे पास जो भी मदद मांगने आता है मैं उसे खाली हाथ नहीं भेजता, मेरी आदत में ही नहीं है, समझे क्या? मैं शर्माता नहीं, दुखी नहीं होता, ना किसी से डरता हूँ। आने का, मारने का, उठाने का काम खत्म करके निकल जाने का। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा करण, दुनिया भर में मेरे फैंस हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा फैन मैंने कभी नहीं देखा। फिल्मों में अंधविश्वास के खिलाफ मैंने बहुत आवाज़ उठाई है, और रियल लाइफ में पर्यावरण के खिलाफ आवाज़ उठाई है, लेकिन मेरी आवाज़ को तूने अपने लिए इस्तेमाल किया, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें SMS करूँ? हाँ बिल्कुल करूँगा। अच्छा सुनो, इस समय मैं यहाँ पर हूँ, ये बात किसी को बताना नहीं। हाँ हाँ, कसम का कसम। अरे बाप रे, मर गया। अरे बाप रे, इतनी जोर से मारेगा तो मैं तो अप्पू बन जाऊंगा। अब क्या करेगा? अच्छा सेल्फी लेगा तू? अरे तुझे सेल्फी नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? आजा आजा। मैं क्यों नहीं दिख रहा हूं? ओ थैंक्स, बाय। क्योरी कहीं बाहर जा रही है। कोयम्बतूर में तुम्हारे पापा के जो दोस्त है ना। कौन? वही ना जो बचपन में अक्सर आया जाया करते थे। मजाक मत कर। ठीक है तो मैं क्या करूं? अब उनका लड़का आया है, पापा के साथ नीचे बात कर रहा है, जाते समय उसे हेलो बोल देना। मैं क्यों हेलो कहूँ उसे? आप लोग मेरे लिए लड़का देख रहे हैं? उसमें बुराई क्या है? मुझे सब कुछ पता है। 2 दिन पहले ही एक लड़के की फोटो आप लोगों ने मुझे मेल की थी। लेकिन तुमने उस लड़के को मना कर दिया ना? वो कितना मोटा था, उसकी फोटो डाउनलोड होने में 2 दिन लग गए। अब दूसरा ढूंढ लिया आपने। हेलो ही कहना है ना? कह देती हूँ। पापा कह रहे थे वो 2 दिन के बाद आपसे मिलेंगे और आपको सॉरी बोलने के लिए कहा है। वो हमेशा सही ऐसे हैं, प्लीज। वो टाइम पे कभी नहीं पहुंचता। इनफैक्ट कॉलेज के दिनों में एक सेमेस्टर एग्जाम में सुबह आने के बजाय वो शाम को पहुंचा। आओ बेटी, दिस इज माय डॉटर संध्या। हाय, आई एम पद्मनाभन। हाय, बैठ जाओ बेटा। संध्या ये, हाँ मुझे पता है, आपकी फ्रेंड की बेटी। हाँ, MBA पूरा करके चेन्नई में काम कर रहा है। ओह अच्छा, तुम दोनों बात करो, आई जस्ट मेक अ कॉल एंड कम बैक। ओके। मेरे पापा बहुत डिसेंट हैं, मैं जानती हूँ, वो कॉल करने नहीं गए हैं, हम अकेले में बात कर सकें इसीलिए गए हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? हम दोनों की शादी करवाना चाहते हैं ये लोग। आपका क्या ख्याल है? गुड क्वेश्चन। मिस्टर पद्मनाभन, यू कैन कॉल मी पद्दू। ओके पद्दू, मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है, पर मुझे शादी अभी नहीं करनी। आई कैन वेट। क्या है ये, MBA की पढ़ाई करके टैक्सी ड्राइवर जैसी बातें कर रहे हो? अभी मैंने शादी के बारे में सोचा भी नहीं है। आप चेन्नई में रहते हैं और वहाँ का वेदर मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता। आप कुछ भी कह के उन्हें मना कर दीजिएगा। ओके? कुछ दिन साथ रहकर एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं ना। पद्दू, मेरे इतना कहने के बाद भी अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहोगे तो ठीक है, मैं मान जाऊंगी। पर शादी के एक दिन पहले मैं भाग जाऊंगी, चलेगा क्या? ओके बाय। करण, मैसूर से मेरे बेटे ने फोन किया था, वो लोग अच्छे हैं। हाँ वो भी बहुत अच्छी है, वो इस दुकान को बंद करके अपने साथ रहने के लिए बोल रहा है। पहले की तरह मैं भी काम तो कर पाता नहीं, तो सोच रहा हूं कि ये दुकान मैं किसी को दे दूं। एक चेयर से शुरू की ये दुकान आज इस मुकाम पर पहुंची है तो इसकी वजह तू है बेटा। तू मना करेगा तो भी क्या, यही तो सच है। ये दुकान कोई और ले उससे अच्छा अगर तू ले लेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। सब कुछ मिलाकर 1/12 तक तो इसका बजट पहुंच ही जाएगा। जानता हूं ये मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों को कुछ स्पेशल लोन मिलता है, तू कोशिश करके तो देख। अरे कौन इतना शोर मचा रहा है यार? संध्या देख, बाहर कोई एक्सीडेंट हुआ है, जाकर देख जरा। अरे अरे, गाड़ी पे लग गई, सॉरी। क्या सॉरी? सबसे पहले अपने चेहरे का ये मुखौटा हटा। मेरी नाक का ऑपरेशन हुआ है, मुखौटा हटा दिया तो कौवा नोच लेगा। हाँ, तू बहुत बड़ी हीरोइन है ना जो नाक का ऑपरेशन कर रहा है। मैं किसी भी चीज का ऑपरेशन कर रहा हूँ, तुम्हें उससे क्या? तू चुपचाप ये हटा कर मुझे सॉरी बोलता है या नहीं? कुछ ज्यादा ही बोल रही हो तुम। गुंडे की तरह ये लगा कर बात क्या कर रहा है? मैं गुंडा नहीं हूँ। तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे देखने के बजाय उसे क्या देख रहा है? फ्रेंड है पर इसके पास तो कार है,
जरूर इस कार का ड्राइवर होगा। दूसरे की गाड़ी को इस तरह से लापरवाही से चलाता है क्या? मैंने लापरवाही से गाड़ी नहीं चलाई, तुम अचानक बीच में आ गई थी। मैंने जानबूझकर ब्रेक थोड़ी मारा, ये मेरे सामने आ गया था। कौन है बेवकूफ? ये यहाँ कहाँ से आ गया? क्या हुआ, मैं बात कर रही हूँ ना। बोल मैं खूबसूरत हूँ, फिर छोड़ दूंगी। ठीक है, सिर्फ तेरे लिए, चल। आ रही है। ठीक है, सिर्फ इसने कहा इसलिए छोड़ रही हूँ तुझे। लेकिन मेरा नंबर प्लेट भी थोड़ा डैमेज हुआ है। क्या बोल रहा है तू? हाँ ओके ओके ओके। ए तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, कोई नाटक चल रहा है क्या? चल स्कूटर उठा, इडियट, निकल लो। बाय करण। बाय। पूरी माँ दुर्गा है ये तो। सर इतने बड़े झगड़े की वजह मैं ही हूँ। चलेगा चलेगा। और इस गलती के प्रायश्चित के लिए that's okay, that's okay. क्या आप अपनी कार से मुझे रेस कोर्स तक छोड़ सकते हैं क्या? अरे तेरी तो बजाओ क्या है, कान के नीचे, मैंने बोला ना। सर ओके ओके, हैव अ नाइस डे, मैं खुद ही चला जाऊंगा। ये प्रोडक्शन मैनेजर मनी इधर क्या कर रहा है? हाँ ड्राइवर था, लेकिन उसकी सास को एक बैल ने मार दिया, बैल को बहुत चोट लग गई है इसीलिए वो गाँव गया है। तू मेरा ड्राइवर बनेगा तो फिर इस काम का क्या होगा? हैं? हाँ कैसे हो करण? 9 बज गए हैं, आज काम पे नहीं गए, बीमार हो क्या? आर यू ऑल राइट? हाँ हाँ, 10 दिनों के लिए छुट्टी पर हो, आज तक तुम्हें छुट्टी लेते हुए नहीं देखा मैंने। गांव से तुम्हारा फ्रेंड आया हुआ है, वेरी गुड, एवरीबॉडी नीड्स अ ब्रेक, गॉड ब्लेस यू। हे करण, आज तो तुम बड़े स्टाइलिश लग रहे हो, मस्त लग रहे हो, जल्दी से लड़की देख के शादी कर लो ताकि मुझे बोलने के लिए सहेली मिल जाए। करण मेरी बात सुन, नौकरी वाली लड़की से ही शादी करना, अगर लड़की काम नहीं करती है ना तो सारा दिन घर में जान खाती है, तू जानता मैं कितना परेशान हूँ। सही बोला राघव, जब कभी खतरे या एक्सीडेंट का माहौल होता है तो बच्चों को और औरतों को पहले बाहर क्यों निकालते हैं? ताकि वहाँ पर शांति रहे, उसके बाद क्या करना है। हाँ सही कह रहा है तू, गाड़ी अच्छी चल रही है, गाड़ी क्यों रोका? ओ तो तुम यहीं पर पले बड़े हो, अच्छा काम करती है ये संस्था। किधर गया, इधर ही तो था। वाटर बोतल यहाँ पे रखा था, मिल नहीं रहा है, पानी पीना था मुझे। हैं तुम लेकर आ रहे हो? ठीक है मैं यहीं रुकता हूँ। अरे बेवकूफ लोग, दारू की बोतल प्लास्टिक की बोतल, सिगरेट का डब्बा प्लास्टिक कवर, ये क्या हो रहा है भगवान? ऊटी के पहाड़ को महारानी बोलते हैं और ये टूरिस्ट लोग यहाँ पर आकर कचरा फैलाकर महारानी को नौकरानी बना रहे हैं। यही सब खा करके गाय मर जाती है, बेचारी गाय जो सबको दूध पिलाती है उसको प्लास्टिक खिलाते हैं। आर्ट्स तूने क्यों लिया यार? क्या करूं यार, कॉमर्स में मिला नहीं, साइंस में मिला नहीं तो आर्ट्स ले लिया। अरे कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ाई कर, एक्टर बनना चाहते हैं क्या? हे व्हाट अ सरप्राइज, ये यहां कैसे? ए छोड़ छोड़, पानी तो मांग रही हूँ। वैसे तुम तो हमेशा नॉर्मल पानी पीते हो, तो फिर आज मिनरल वाटर? फ्रेंड है कौन? जिम कैरी, वही वो मास्क वाला ना? ओ हाय, नमस्ते मैडम। अच्छा तुमने कभी इसका चेहरा देखा है क्या? पूरी दुनिया ने देखा है। अच्छा मैं तुम्हें हर दिन गुड मॉर्निंग मैसेज करती हूँ, तुम रिप्लाई क्यों नहीं करते? बड़े कलेक्टर हो ना जो बिजी रहते हो। चलो बाय बाय। अच्छा हुआ बच गया। हाय सर। ये कौन है? आई एम वर्की। अरे बेवकूफ, इनके साथ काम करता हूँ सर।
तूने जब छुट्टी ली ना, मैं तभी समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसीलिए मैं तेरा पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया। आखिर तू क्या खिचड़ी पका रहा है? अब मेरी समझ में आया कि इसके पीछे आपका हाथ है सर, आप इसका साथ दे रहे हैं सर। ये तेरा साथ दे रहे हैं, क्या बात है यार करण, दो दिनों में इतना कुछ हो गया। ए वर्की, मैं इधर हूँ, अगर ये बात किसी को बोला ना तो अब तक तो कॉमेडी के रोल में देखा है, एंग्री यंग मैन के रोल में आने में देरी नहीं लगेगी मुझे। और अगर मैं एंग्री यंग मैन बन गया ना तो याद रखना कि तेरे साथ क्या करूंगा, समझ गया ना? जबान दी मैंने, तीर से कमान और वर्की की जबान कभी खाली नहीं जाती। ऐसा क्यों कर? ऐसा ही है सर। ओ अच्छा, वो कुंग फू पांडा कौन है क्या? सर उसका एक अच्छा सा नाम भी है। उसका नाम है संध्या। कलेक्टर ऑफिस के पास जो बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर है ना, वो उसी का है। उसको हम लोग बचपन से ही जानते हैं। क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि वो बहुत शरारती है, इसको हमेशा छेड़ती रहती है। फ्रेंड्स के बारे में बहुत कुछ बोलती है। इसके फ्रेंड्स के बारे में? अच्छा कैसी बात कर रहा है तू? खैर तू तो ऐसी बात करेगा सर। हाँ ओ, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, ये बात उसे अभी तक पता नहीं है ना? अब नहीं पता है तो रहने दो ना, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, तू सीरियसली क्यों ले रहा है? चलो आगे चलते हैं। क्या हुआ सर? ये क्लाइमेक्स में फाइट होने वाली जगह पर क्यों लेकर आया मुझे? मैंने बोला था भूख लगी है तो मुझे गड्ढे के पास लेकर आ गया है? उधर क्या? अच्छा सर, हम शहर से बहुत दूर आ गए हैं, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। आप ये टोपी निकालिए और आराम से खाइए। बहुत बढ़िया, मैं ऊटी में इतनी बार आया हूँ, बहुत जगहों पर खाना भी खाया, उत्तप्पा के नाम पर पता नहीं क्या बनाकर दे देते थे। ये है असली उत्तप्पा, बहुत बढ़िया। अच्छा वर्की, तेरा नाम वर्की क्यों है? तो तेरे भाई का नाम फिर कड़की होगा। सर मेरा नाम तो राजू है, ये सब लोग मुझे वर्की वर्की बोलते हैं। क्यों? कुछ नहीं सर, एक दिन चूहे को पकड़ने के लिए मूसल रखा था, वो मैंने खा लिया इसीलिए। बचपन में? नहीं सर, लास्ट ईयर। क्या हुआ सर? खाने में पत्थर आ गया था इसलिए थूक रहा हूँ। ओके एक्सक्यूज मी, वुड यू लाइक टू बाय सम यूकेलिप्टस ऑयल? ए करण आजा, खाना खाया? हाँ मैंने खा लिया। हाँ ओह, आई एम लुइस। आई एम विवेक सर। आप काम क्या करते हैं? अंकल आपने इनको पहचाना? hey, चुप रहना, आई एम ए बिजनेसमैन फ्रॉम चेन्नई सर। ओह वेरी गुड, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? चोरी की सीडी, अपलोड डाउनलोड, फेसबुक पे क्रिटिसाइज, यही सब बिजनेस चल रहा है सर। ओह अच्छा, रियल एस्टेट का काम करते हैं? नहीं क्या? सर करण को आस्था में इन्होंने भर्ती करवाया है। रियली? सिर्फ करण की ही नहीं सर, हम जैसे कई लोगों की इन्होंने बहुत हेल्प की है। सर आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सर। ये सब कोई बड़ा काम नहीं है मिस्टर विवेक, मैं इसे सेवा समझ कर नहीं कर रहा हूँ। वो क्या है, मेरा भी एक परिवार था, बाल बच्चों के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन मेरी पत्नी हमारे बेटे के साथ बेलापुर घूमने गई थी, वहाँ मेरा बेटा खो गया। उस वक्त उसकी उम्र 4 साल की थी, काफ़ी दिनों तक ढूंढना पर वो नहीं मिला। उस वजह से मेरी पत्नी बहुत बीमार हो गई और कुछ दिनों में वो चल बसी। मेरी पत्नी को इस बात का दुख था कि अगर बेटा मर गया होता तो संतोष कर लेती, पर वो इस वक्त कहाँ होगा और किन सड़कों पर भीख मांग रहा होगा, ये सोचकर वो रोती रहती थी। इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ, मेरा बेटा भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा होगा ये सोचकर किसी भी बाप के हलक से खाना नहीं उतरेगा। तब से अब मैं जब भी किसी अनाथ बच्चे को सड़क पर देखता हूँ तब मुझे अपने बेटे की याद आती है, और फिर मैं उनको कहीं काम पर लगा देता हूँ या फिर उनके घर पर छोड़ आता हूँ। मुझसे जो कुछ भी बन पड़ता है वो करता हूँ। मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे सजा दी है। क्यों मेरे साथ ऐसा किया ये जानने की कभी कोशिश नहीं की। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, इस पर मैं यकीन रखता हूँ। एनीवे लाइफ गोज ऑन। मिस्टर विवेक। हाँ विवेक, गांव जाने से पहले अगर आपको यूकेलिप्टस तेल की जरूरत पड़े तो करण को बता दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, इस वक्त के लिए मेरी तरफ से ये छोटी सी गिफ्ट रख लीजिए। ओके गॉड ब्लेस यू। सच में ये धरती भी ऐसे अच्छे इंसानों से भरी पड़ी है, और हर इंसान अपने सीने में एक दर्द छुपा करके घूम रहा है।
उस होम में पहली बार मेरी कॉमेडी को टीवी देखा था। अच्छा, ओ ये कह रहा है बहुत दिनों के बाद उस दिन तू पहली बार हंसा था, तो कॉमेडी देखकर हंसा था तू। तुमने सिर्फ लोगों का नहीं मेरा भी दिल जीत लिया है। क्या नई शर्ट? बिल्कुल अच्छी नहीं है। कहाँ? ए, ये तो वही ड्राइवर है ना, कहीं कोई एक्सीडेंट करके तो यहाँ नहीं छुपा है ना? आप तो विवेक के जैसे दिख रहे हैं। मैं विवेक ही हूँ। मुझसे मजाक कर रहे हो? आप विवेक हो तो मैं नयन तारा हूँ। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं विवेक ही हूँ। हेलो, ऊटी में फ्लावर शो के वक्त सलमान और शाहरुख के बहुत सारे डुप्लीकेट्स आते हैं, तुम भी उनमें से एक हो ना? क्या रे, कितने पैसे देकर लाए हो इस कार्टून को? खड़े खड़े मुझे कार्टून बना दिया, यही सुनना रह गया था। सर, सच में आप ही हैं? बिल्कुल मैडम, यकीन नहीं हो रहा है तो प्रभास को फोन लगाऊं या अपना आधार कार्ड दिखाऊं? नहीं, उस पर मेरा फेस देख करके आपको और डाउट हो जाएगा। उससे मैंने आपके साथ ही झगड़ा किया था। हाँ जी। ओहो, I'm sorry सर, लेकिन आप इसके साथ कैसे? सर बहुत दिनों से, तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? मेरा बुरा टाइम है सर, पहली बार अपनी दुकान में आए हैं, कुछ खाएंगे कुछ लेंगे कुछ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बोर हो रहा था तो इसके साथ घूमने चला आया। दोबारा रोड पर देख करके झगड़ा नहीं करूंगी मुझसे? ऐसा नहीं करूंगी सर, आई एम सॉरी सर। एक सेल्फी सर। ओके, तुमसे पूछा क्या? जाओ। ओके चले क्या? एक सेकंड, तुम्हें फिल्मों के एक्टर पसंद है या डायरेक्टर? मुझे डायरेक्टर रोहित शेट्टी पसंद है। रोहित शेट्टी, वो तुम्हें क्यों पसंद है बताओ? क्योंकि उनकी फिल्मों के क्लाइमेक्स में हीरो गुंडों के हाथ पैर तोड़कर उनकी बुरी हालत बना देता है और अपनी हीरोइन को लेकर जाता है। बात करने के लिए सेल फोन दिया तो खेलने के लिए कैंडी क्रश मांग रहा है, चलेगा। मूड फ्रेश करने के लिए एक चाय पीते हैं। आ, क्या बात है, कितनी बढ़िया चाय है, पीते ही दिमाग की बत्ती जल गई। सोच रहा हूँ किस दूध से बनाया होगा। ये अचानक यहाँ कैसे आ रहा है? कितनी गर्मी लग रही है। सर, क्या मैं आपको याद हूँ? सर तुझे कैसे भूल सकता हूँ। सर ऊटी आपका काम है क्या? नहीं, सैन फ्रांसिस में। सर आप कहाँ से आए हो, यहाँ क्या काम है? सर मैं एक फिल्म प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, ये लीजिए मेरा कार्ड। ये क्या, ए आर रहमान की तरह म्यूजिक क्यों बना रहा है? नहीं सर, मेरा नाम मणि है, न्यूमरोलॉजिकली थोड़ा सा उसमें आगे पीछे ऐड किया है। थोड़ा सा? इसमें तो पूरा इंग्लिश लेटर है। ऊटी में किस काम से आए हो? इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है। क्या स्टोरी है? गेम स्टार्ट मूवी है सर। वो तो रिलीज के लिए तैयार है ना? आपको कैसे पता सर? वो सब नेट पर देखा है मैंने। हाँ वही है सर, रिलीज के लिए रेडी है। ओ, लेकिन उस दिन डायरेक्टर बाथरूम चला गया ना। तब तक बाथरूम नहीं गया था क्या? नहीं सर, बाथरूम जाकर जब वो बाहर आए तो तीन चार सीन के साथ बाहर आए। बाथरूम में सीन? मोशन पिक्चर है क्या? सर वो चार सीन शूट करने के बाद ये पिक्चर रिलीज करेंगे ऐसा बोल रहे हैं। और वो सब सीन शूट करने के लिए विवेक सर की दो दिन की डेट चाहिए। अच्छा, और वो इस वक्त चेन्नई में नहीं है। सब जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं मिल ही नहीं रहे सर। लेकिन वो ऊटी में है, ऐसा व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज लिंक भेजा था। आजकल सबका सीक्रेट व्हाट्सएप पर ही लिंक होता है सर। हे भगवान। सर अगर वो आपको कहीं नजर आ जाए तो आप प्लीज मेरी बात करवा दीजिएगा ना। आज जरूर कराऊंगा, जरूर कराऊंगा। ओ सर के लिए स्पेशल चाय? सर प्रोडक्शन मैनेजर का काम कितना इंपॉर्टेंट होता है आपको पता है ना? ऐसा है क्या? लेकिन फिर भी वो सब छोड़ के मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। प्रोडक्शन मैनेजर का काम इतना इंपॉर्टेंट है क्या? अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? क्यों? प्रोडक्शन मैनेजर के बिना एक भी फिल्म बनी नहीं सकती है, चाहे वो हॉलीवुड की हो या बॉलीवुड की। आपने वो जेम्स कैमरून की मूवी अवतार देखी है ना? क्या बात कर रहे हो, मैं किसी का अवतार क्यों देखूंगा भाई।
नहीं सर, जेम्स कैमरून की मूवी अवतार। अवतार हो या बिजली का तार हो, तुम्हें विवेक सर चाहिए ना, मिलेंगे तो बता दूंगा, समझ गया? ओके चलता हूँ। आ जा, लेकर आए हो ना सारी दवाइयां, इसमें है सर। हाँ यार, पिछले चार दिनों से आगे का पूरा रास्ता जाम है, पीछे से भी जाम होने के चांसेस हैं। परेशान हो गया हूँ, डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते, बस टाइम पर दवा खाते रहिए, बाकी भगवान भरोसे। अरे तू भी ना, फिल्म का डायलॉग बोल रहा हूँ, यकीन कर लिया क्या? हाँ सिस्टर। जी सर। इधर आइए। ये क्या, आपकी बहन है सर? हम सबके लिए सिस्टर है, याद रखो, तुम्हारे लिए भी। अंदर ले जाकर रख दीजिए। ठीक है सर। तुमने एक बार पूछा था कि मैं ऊटी क्यों आया, ऊटी क्यों आया, आओ दिखाता हूं। इसका नाम है नागराज, मेरे बचपन का दोस्त। स्कूल कॉलेज में हमने साथ में पढ़ाई की, साथ में बड़े हुए, साथ में घूमे। कहानियां और कविताएं बहुत अच्छी लिखता है, मेरा इंस्पिरेशन है ये। मैं चेन्नई चला गया, वहां मेहनत की और आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं, लेकिन ये पीने और जुआ खेलने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने इसे सुधारने की कोशिश की लेकिन नहीं सुधरा। फिर इसकी शादी हो गई, एक बेटी भी हुई, सोचा कि अब सुधर जाएगा, लेकिन नहीं सुधरा। ऐसे ही एक दिन पैसे के लिए अपनी बीवी की चेन खींच रहा था, इसकी बीवी गिर गई और सर पे चोट लग गई, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। 6 साल जेल में था ये। इसकी बेटी अपनी मौसी के घर पली बढ़ी, बेटी ने अपने बाप को कभी नहीं अपनाया। जब ये जेल से बाहर आया, इसकी बेटी इसे मिलने नहीं आई, इसके साथ बात करने, इसका दुख बांटने के लिए। इसके पास दुर्भाग्य से कोई भी नहीं रह गया था, मौत से बदतर जिंदगी हो गई थी इसकी। उसके बाद से इसकी तबीयत खराब हो गई, तब मैं इसे लेकर के यहां आया। डॉक्टर ने इसे देखा और बोला कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। रिश्तेदारों ने भी ठुकरा दिया, लेकिन मैं इसका फ्रेंड हूं, कैसे ठुकरा देता इसे भला, इसीलिए इसके पास आता रहता हूं मैं। सुधर जाएगा यही सोचकर अब तक वेट करता रहा, लेकिन अब इसकी मौत का वेट कर रहा हूं मैं। ये कहानी सबको रुला देती है ना सर, बड़े लोगों की जिंदगी में भी तकलीफ होती है, ये सोचा नहीं था मैंने। हे वर्की, तकलीफ जो है ना, तेरे दुकान पर आने वाले कस्टमर की तरह होती है, किसी को ज्यादा है और किसी को कम है, लेकिन बिना तकलीफ के कोई नहीं है। क्या मतलब? सर मुड़ाते ओले तो पड़ते ही है ना। सर, आपको वो बुला रहे हैं। क्या हुआ? मैं तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहा हूं क्या? ऐसा क्यों बोल रहा है तू? बचपन में हम दोनों ने एक साथ कितना काम किया है, अभी भी हम दोनों एक ही चीज के लिए वेट कर रहे हैं। क्या हो गया तुम्हें? आराम करना तू।
जब मुझे कोई कष्ट नहीं था तब मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। अब मरने की सोच रहा हूं तो मौत पास में है, लेकिन पत्नी की तरह गुस्सा में मुंह फेर कर खड़ी है, पता नहीं कब गले लगाएगी मुझे। हे दोस्त, मेरी एक मदद करेगा तू? बोल। अच्छा, मैं अपनी बेटी से एक बार मिलना चाहता हूं, एक बार मैं उसे कामनी कहकर बुलाना चाहता हूं। एक बार उसे देख लूंगा ना तो फिर मैं बहुत ही जल्द खुशी से मर जाऊंगा। करेगा ना? उसकी बेटी क्या यही कोयम्बटूर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है? फोन करके? वो इतना आसान नहीं है भाई। मैंने बहुत बार कोशिश की, फोन पर मेरी वॉइस सुनकर ही फोन कट कर देती है वो। सर एक काम करते हैं, पहले बिरयानी खाते हैं फिर लड़की को उठाते हैं। अच्छा, तू मेरे साथ बिरयानी खाने के लिए कोयम्बटूर चलेगा? हाँ सर। अरे इस बकरी को सब कुछ इतना आसान लग रहा है, वो लेडीज कॉलेज है, लेडीज हॉस्टल है, वहाँ पे हम लोग अंदर भी नहीं घुस पाएंगे, ये आवाज देकर बुला नहीं पाएगा। मेरी आवाज सुनकर वो बाहर आएगी नहीं, और तूने अगर आवाज देकर के बुलाया ना तो लड़की नहीं कोई और आएगा। हे, मेरा हाथ पकड़ के रो रहा था, उसकी आखिरी इच्छा है, कुछ तो करना ही पड़ेगा उसके लिए। हैं? इस समय इसको बाथरूम आ रही है। आया। हिट। 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 लो पंच। हिट। 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 डबल पंच, कम ऑन, हिट, हिट। तो क्या मैं उनकी बेटी की एक्टिंग करूं? है। चले। अरे माताजी, आपके एक्टिंग करने से आपको पहचानेगा नहीं। ओ, लॉजिक सही है। इससे अच्छी एक्टिंग तो मेरी माँ कर लेती है। ये क्या? इस हड्डी को मारने के लिए तो इतने दिन से कराटे सीख रही है क्या? अब मुझे क्या करना है वो बताइए सर। हॉस्टल के अंदर जाना है, बस इतना सा। फिर उस लड़की को बाहर लाना है, बस इतना ही ना। बस इतना सा, इतना सा बोल रही हो, हलवा लग रहा है क्या? सर आप मुझे लंदन भेज दीजिए, माल्या को भी ला सकती हूँ। मेरी अम्मा तुझे कॉलेज गर्ल से कैलेंडर गर्ल बना देगा वो, और हाथ में पियर पकड़ा देगा। तू बस उस लड़की को लेकर आ जा, बाकी मैं देख लूंगा। क्या हुआ है मेरी मौसी को? बस उनके घुटनों का दर्द कुछ ज्यादा बढ़ गया था। अपनी मम्मी को एक फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, तेरी मौसी को भी वहीं लेकर गई। मेरी मौसी को आप कैसे जानती है? हम उनके पड़ोस में रहने आए हैं ना, तो अब हम फैमिली फ्रेंड्स बन गए हैं। तो आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तेरा फोन नहीं लग रहा था, तू कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है ना, तो लॉर की तरह सवाल क्यों पूछ रही है? ऐसा कुछ नहीं है, आप वो उस कार में है, चला। ये सब क्या है अंकल? तुम्हारे पापा बहुत सीरियस है बेटा, उनकी आखिरी इच्छा है कि वो तुम्हें देख लें। वो मेरे पिता नहीं है, वो मेरे माँ के कातिल है, अब मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन वो पिता है तुम्हारे, चैन से तो जी नहीं पाया, कम से कम चैन से मरने दो उन्हें, इंसानियत के नाते ही ये एहसान कर दो उस पर। वो खुद इंसान नहीं है, उनको मैं क्या इंसानियत दिखाऊं? देखो अंकल, मुझे उनसे बिल्कुल नहीं मिलना, प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। रुको बेटी रुको, एक बार तो उस पर दया कर दो प्लीज। नहीं। ए, चल यहां, चल। बेटा, चल, छोड़ ए, ए, चल, कहां लेके जा रही है? अभी कभी गाड़ी रोको वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। तू चुप रहेगा या तेरे हाथ पैर तोड़ दूं? तू चुप हो जा मेरी माँ। अरे रे रे रे, शाहरुख खान बनने के लिए बोला था, तू तो जैकी चैन ही बन गई। पुलिस केस हो गया तो मेरा क्या होगा? सर अपने पापा से मिलने जा रही है ना, पुलिस केस क्यों होगा? ऐसे कैसे बोल सकती हो, किडनैप किया ना तुमने, सेक्शन 364A। सर ये क्या फिल्म का डायलॉग है? अबे डाउट की औलाद, मैंने लॉ पढ़ी है, वकील हूँ मैं, एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, वरना काला कोट पहनकर घूम रहा होता। फिर तो वकील बनते ही हो ना। अरे इस डेंगू के मच्छर को कोई बाहर करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब तक मैं पेज 3 पर आता था, कहीं फ्रंट पेज पर ना आ जाऊं मैं। आते हैं तो आने दीजिए ना सर, पैसों के लिए किडनैप थोड़ी कर रहे हैं, जो होगा देख लेंगे। हे हे, सामने देख करके गाड़ी चला, वरना सब फ्रंट पेज पर आ जाएंगे।
कामिनी कैसी है बेटी? अच्छे से पढ़ाई कर रही है ना? बेटी तू जा, बेटी तू जा, से बहुत बदतमीजी की। कोई बात नहीं बेटी, मैं नहीं जानती मैं उन्हें माफ कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन अच्छा हुआ मैं यहाँ उन्हें देखने आ गई। जब मैं बहुत छोटी थी पिताजी के नाम से ही डर लगता था, फिर उनसे बदला लेने का जुनून सवार था। अब ये दोनों चीजें नहीं रही, इसके लिए आप सबको बहुत थैंक्स। मैं जा रही हूँ। बेटी, बाप का फर्ज चाहे उसने ठीक से ना निभाई हो, मगर तुमने बेटी का फर्ज जरूर निभाया है। तुमने जो किया है वो बहुत बड़ी बात है। इन लोगों ने एक अनजान आदमी के लिए जो कुछ भी रिस्क उठाई है, उसके आगे तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरा फोन वापस करेंगी? सॉरी सॉरी, अब तो हम फैमिली फ्रेंड्स बन गए हैं, इतना भी नहीं कर सकती क्या? मुझे पता था हर महीने तुम बच्चों के बाल काटने यहाँ आते हो, इसलिए यहाँ चली आई। कल मैं अपने एक फ्रेंड के अंकल से मिली थी। नहीं रे, वो डॉक्टर है, वो भी ENT डॉक्टर। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, उन्होंने बहुत सारे नए ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया, उन्होंने एक नाम भी बताया था, तुम जाकर उनसे मिल लेना ना एक बार। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट तुम लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। बहुत कुछ कर सकते हो, गाना गा सकते हो, लोगों से बातें कर सकते हो। संध्या, इंसान के लिए आदत बदलना इतना आसान नहीं होता। मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखने वाला इंसान अगर रिंगटोन रखेगा तो वो रिंगटोन भी उसे बकवासी लगेगा। उसने पूरी दुनिया को साइलेंट मोड पर रखा हुआ है, तू ही उसे कभी कभी वाइब्रेट मोड में बदलती रहती है। पर मैं तो उसके अच्छे के लिए कह रही हूँ ना सर, लेकिन वही नहीं समझ रहा। संध्या, मैं एक बात पूछूं तुमसे? मैं करण का इतना ख्याल क्यों रखती हूँ और हम दोनों के बीच क्या है, यही पूछना चाहते हैं ना? बिल्कुल, तुमने मेरे मन की बात पकड़ ली। आपका शक बिल्कुल सही है सर, मैं बचपन से ही उसे जानती हूँ और वो मुझे बहुत पसंद भी है। उसका गुस्सा, उसकी सच्चाई, उसकी मेहनत, मुझे सब कुछ पसंद है। और जैसे जैसे हम दोनों बड़े होते गए, वैसे वैसे उसके लिए मेरी चाहत भी बढ़ती गई। और ये प्यार मुझे तब कन्फर्म हुआ जब स्टेट इलेक्शन के दिन मैं पहली बार वोट देने गई। उस दिन मैं वोट देने जा रही थी, अगर ये बुढ़िया वोट नहीं डालेगी तो क्या पार्टी नहीं बनेगी? एक वोट की भी बहुत बड़ी कीमत होती है भाई। Thank you.
पक्षियों को देखा तब मुझे लगा कि ये प्रकृति की ओर से मेरे लिए संदेश है। उस वक्त मुझे लगा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। प्रकृति ने तुमसे जो बोला वो तुमने उसे बोला कि नहीं? इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है सर। क्या संध्या, तुम भी आजकल के बच्चे व्हाट्सएप पर प्यार करते हैं, फेसबुक पर डेटिंग करते हैं, इंटरनेट पर घूमने चले जाते हैं और गूगल में अपनी दुनिया बसा लेते हैं, और ये सब करने में उन्हें सिर्फ 24 घंटे चाहिए होते हैं, और तुम इतने सालों से इंतजार कर रही हो। अंकल हाँ, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप बुरा ना माने तो आप करण से इस बारे में बात कर सकते हैं क्या? अब अगर तुमने मुझे अंकल बोला है तो आगे तो मुझे ही बढ़ना पड़ेगा। अब देखो, फिल्मों में हीरो और हीरोइन को तो मैं हमेशा मिलाता ही रहता हूँ, लेकिन उनकी रियल लाइफ का जो प्यार होता है उसके बारे में मुझे कभी नहीं बताते। शादी और रिसेप्शन में भी मुझे भूल जाते हैं। तो तुमको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम बिंदास हिम्मत के साथ जाकर बोल दो। अगर ये तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो अपनी बात लेटर लिख करके बोल सकती हो। पुरानी टेक्निक है लेकिन जबरदस्त है, पक्का काम कर जाएगी। ये चेहरे के सामने कहने वाली बात नहीं है, लेकिन बिना चेहरे के तुम्हें समझ में नहीं आएगी। बहुत दिनों से अपने दिल की बात कहना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे सामने कहने की हिम्मत नहीं हुई। अभी अभी विवेक सर की वजह से हिम्मत हुई है अपने दिल की बात कहने की। ए करण, हर बात की तरह इस बात का भी मजाक मत समझना। इतने दिनों से तुम्हारे साथ अच्छी फ्रेंडशिप शेयर किए है, अब मैं अपनी जिंदगी भी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। बकबक नहीं कर रही, पागल नहीं हूँ, पूरे होशो आवाज में कह रही हूँ। तुम मुझे पसंद हो, मुझे बाकी लोगों की परवाह नहीं है। तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? हम दोनों मिलकर अच्छे से कमा सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। देखो करण, तुम्हें मैं पसंद हूँ या नहीं ये बताओ। पापा को कन्विंस करना मेरा काम है। मेरे सवाल का जवाब दो करण, पसंद हूँ या नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम करण? पता नहीं मैं तुम्हें अपने दिल की बात कह पाई हूँ या नहीं। मैंने वो सारी बातें इस लेटर में लिख दी है, प्लीज इसे एक बार पढ़ लेना। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? तू गूंगा है, बहरा है, तेरे पास पैसे नहीं है, यही कहना चाहता है ना? अरे ये बात पूरा ऊटी जानता है, वो ये सब जानती है फिर भी तुझसे प्यार करती है। तुझे एक साथी नहीं चाहिए क्या? पूरी जिंदगी अकेला रहना चाहता है क्या? फालतू का गुस्सा मत कर मेरे सामने। इस दुनिया में तेरे जैसे कितने लोग शादी करके कितने खुश है पता है तुझे? तू उनसे अलग है क्या? संध्या तुझे बचपन से जानती है, वो तुझे अच्छे से समझती है और तू उसे ठुकरा रहा है। क्या बोल रहा तू? ओ तो तू कहना चाहता है कि तेरी जिंदगी में मैं दखल क्यों दूं? हे, जो प्यार में मदद करता है उसकी बेइज्जती करोगे तो चलेगा, लेकिन इस तरह उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। मैं तेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर रहा हूं, बस तुझे सलाह दे रहा हूं। अरे सुन सुन, आज के बाद से ना बात करेगा ना मिलेगा, यही ना? जा, तू जा यहां से, मैं भी नहीं करूंगा। बालों में कौन सा तेल लगाते हैं? बड़ी अच्छी हेयर ग्रोथ है आपकी। अमेज़न जंगल की जड़ी बूटी से बना हुआ तेल। ओ, ऐसा क्या? सुपर्ब सर। एक मिनट। कीप द चेंज। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा ही होता है, समझे?
बहुत ज्यादा कर रहा है तू। हाँ विवेक सर का मैसेज है, मे आई कम इन। विवेक सर ना मई के महीने में आ जाएंगे। सही बोला तो मार क्यों रहा है यार। सर आप कब आए? आप तो मई में आने वाले थे ना? हाँ बिल्कुल आने के लिए आ रहा हूं। क्या बात है, पूरे दुकान में कस्टमर्स की भीड़ लगी है। कपड़े ठीक से रखो, नॉनसेंस। शेविंग करानी है मुझे। क्या कह रहा है? शेव करने को बोल रहे हैं। तेरे भरोसे अपना चेहरा कैसे दे दूं मैं? चूहे की तरह गाल कुतर दिया तो? जिसके पास ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो उसको बोलो करने के लिए। पैसे दे रहा हूँ, फ्री में नहीं करवा रहा हूँ, टिप्स भी दूंगा। शेव करने को बोल रहे हैं। अरे बाप रे, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, कपड़े को झटका उसने, कपड़े को। ऐसा लग रहा जैसे सांप मार रहा हो। रस्सी लगा के लटका दे, मामला ही खत्म हो जाएगा। लगा रहा है कि थप्पड़ मार रहा है? शा 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 शा। कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है भाई। क्या कहा, गर्मी हो रही है? अरे सेट पे बोल बोल के आदत हो गई है। वैसे यहाँ पे गर्म में क्या मिलेगा? क्या बोले? ओ अच्छा अच्छा, ये सैलून है। अच्छा भाई तेरा गांव कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे लोग सैन फ्रांसिस्को से आकर सेटल हो गए हैं। देखिए मैं अभी कह रहा हूँ, एक्टर विवेक को मैंने नहीं देखा है। तुझे कैसे पता ये बात? आप मुझसे 8 बार पूछ चुके हैं, बस स्टैंड में, सब्जी मंडी में, पंचर की दुकान में, हर जगह ये तो पूछते हैं। अरे हाँ बहुत जगह पूछ चुका है, लेकिन वो जोकर मुझे मिल ही नहीं रहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि व्हाट्सएप में एक विवेक फाइंडिंग ग्रुप बना लूं। यू आर राइट, अभी कोई बेरोजगार नहीं है, कोई ना कोई ग्रुप एडमिन के काम में लगा हुआ है। सर का काम भी फ्रांसिस्को ही है क्या? नहीं, उसके पास वॉशिंगटन। वो सब छोड़ो सर, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? सब उस जोकर की वजह से, उसको ढूंढते ढूंढते मेरी आंखों की नींद चली। ओ, ये बात है। ये क्या है, सब लोग तो खीरा रखते हैं, तू सेब क्यों रख रहा है? सर इसी का सीजन है। अच्छा हुआ तरबूज का सीजन नहीं है। भाई मैं तो अपने गांव में राजा की तरह जी रहा था, ये तो मेरा बुरा वक्त आया जो मैं चेन्नई आके कुत्ते की तरह घूम रहा हूँ। ये भी कोई शहर है? Hey, what nonsense you are talking? तुझे चेन्नई जाने के लिए किसने बोला? चेन्नई आते हो, पैसे कमाते हो, जायदाद बनाते हो, एकदम मजे से जीते हो, लेकिन चेन्नई बुरा है ऐसा बोलते हो? बहुत बड़े इडियट हो तुम, समझ गए कि नहीं है? तुझे क्या लगता है पार्लियामेंट में तेरे बारे में बात होगी? अगर तू चेन्नई से चला जाएगा तो गवर्नमेंट गिर जाएगी क्या? जो शहर खाना देता है उसी को गाली देता है? यू इडियट ऑफ द नॉनसेंस ऑफ द ब्लडी फूल, आई कैन टॉयलेट यू, सॉरी टॉलरेट यू, आई एम जस्ट लिविंग, यू इडियट। शक्ल देखो इसकी। क्यों, मेरी शक्ल को क्या हुआ? लगता है कोयले के खान से भी अभी बाहर आया है। उसकी आंखों में सेब नहीं मिर्ची का पाउडर डालना चाहिए था, एक नंबर का इडियट। देखिए करण का बर्ताव देखकर मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। छोड़ यार, ऐसे बेवकूफ आते ही रहते हैं। छोड़िए सर, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दिया करिए, उस पर ध्यान देना छोड़ दीजिए सर। ऐसे उसे छोड़ नहीं सकता। क्यों सर? वर्की, हम जिंदगी में जब किसी से मिलते हैं ना, वो हमारे किसी गुजरे हुए दिन की याद दिला देते हैं। ऐसा ही सोच ले। आपकी वजह से हुआ। मैंने क्या किया? उसे ऐसे ही रोड पर छोड़ देना चाहिए था ना, उसे लाने की क्या जरूरत थी? मैं अपनी जिंदगी में खुश रहती। ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि। What did I do? आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन। हे करण, इधर आ, इधर आ। संध्या के साथ तुम्हारा क्या झगड़ा चल रहा है? उस लड़की ने जो बोला वही ये भी बोलकर जा रहा है।
कब मरा पता ही नहीं चला। जीते जी बहुत तकलीफ में था। चलो अच्छा है मरते समय ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। सर अब अंतिम संस्कार करना होगा? जरूरत नहीं है, अपना शरीर दान कर चुका है, वही लोग लेकर जाएंगे इसे। दोस्त होने के नाते मैं इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सका, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इसके लिए तुम सबका धन्यवाद। बहुत लिखता था ये, लेकिन जिंदगी बहुत कम जी इसने। इसकी लिखी एक लाइन मुझे याद आ रही है, बहुत इमोशनल है। प्यार मेरे लिए बात करता है, लेकिन दोस्ती सिर्फ मेरे लिए बात करता है। संध्या, सॉरी, मेरा चेकबुक तुमने कहाँ रखा है? मैंने कल आप ही के हाथ में दी थी ना पापा। मुझे दी थी? हाँ, शायद अपने ब्रीफकेस में रखी होगी। ओ, वो कार में। करण, एक मिनट जरा इधर आओ। गाड़ी में मेरी ब्रीफकेस है, वो लेते आओ। उसे क्यों कहा आपने? मुझसे कहा होता मैं चली जाती। जान पहचान का लड़का है, कुछ गलत नहीं सोचेगा। तुम भी ना, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस। थैंक यू। तुम्हारे ऑनर ऑनर उनको कहना याद किया था मैंने। ओके बाय। तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, हम दोनों फ्रेंड्स ही रहेंगे। एक बात पूछूं, तुम हाँ कहना, शादी के बाद भी तुम मेरे साथ ऐसे ही रहोगे ना? देखो, तुम मुझे पसंद करो या ना करो, मैं इस बात की कोई परवाह नहीं करती, समझ गए? क्या है ये, जिस रास्ते पर लोग चलते हैं पत्थर डालकर रखा है। बेवकूफ, कैसे लोग हैं आजकल के। झाड़ियों में क्या कर रहा था, इसे कोई बात करके कंफ्यूज कर देता हूँ। अरे तुम वो क्या? हाँ सर। भैंस की तरह वहाँ पीछे क्यों छुपे थे, चारा खा रहे थे क्या वहाँ पर? विवेक सर चेन्नई में डेली वॉक करते हैं। अच्छा, जब वो वॉकिंग करने के लिए आएंगे तो मैं उन्हें पकड़ लूंगा, ये सोच के मैं अंदर छिप गया था। अरे बेवकूफ, जितना तुम्हें अपने काम की परवाह है उस इंसान को परवाह है क्या? तुम इस शहर में कुत्ते की तरह भागते हो, इधर उधर मुंह मारते हो, भैंस की तरह कुछ भी चबर चबर चबाते रहते हो, गधे की तरह पीठ पर बोझा ढोते रहते हो, बंदर की तरह यहाँ से वहाँ छलांग लगाते रहते हो, और चिंपांजी की तरह हमेशा दारू की तलाश में रहते हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद पीछे मेरे पूंछ हो गई है। अरे क्या बात कर रहे हो, वो सब छोड़ो, इस इंसान को ये सब जरूरी है क्या? उसका काम क्या है सिनेमा काम करना? वो सब छोड़ करके पौधे लगाते रहता है, भगवान भी चाहेगा तो भी नहीं सुधरेगा वो। तुम तो जानते हो उसके बारे में, काम करता नहीं है, दूसरे लोग उसकी जगह। टकला राजेंद्रन, योगी बाबू, परोठा सूरी, वो मिलेंगे तो उनसे कहना कि मैंने उन्हें याद किया। ओके सर, ओके सर। मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ, पूछिए ना सर। मुझे एक छोटा सा डाउट। क्या डाउट है? वो स्वर्णा स्टोर का जो मालिक है, वो कब हीरो बनने वाला है? ये क्या यहाँ चारा खिलाने लाया है क्या? मैं तो गांव जा रहा हूँ। आपको ऐसे कैसे जाने देंगे, हम आज आपको एक पार्टी दे रहे हैं। अरे पार्टी में तो गिलास होती है, यहाँ पर तो पूरी घास है। हाँ माँ, चेन्नई के लिए निकल रहा हूँ, कोयम्बतूर एयरपोर्ट पहुँचते ही कॉल करता हूँ। अच्छा सारथी, तेल पूरा भरा है ना? हाँ सर। हवा? सवेरे से पेट में गैस है सर। ए, तेरे पेट की नहीं टायर की हवा पूछ रहा हूँ। वो तो फुल ही है सर। चल अच्छा गाड़ी निकाल। अच्छा सुनो, मैं अभी निकल रहा हूँ, सब कुछ ठीक से हो जाता तो मैं खुशी से निकलता, ऐसा फील हो रहा है कि मैं आधा अधूरा छोड़कर जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारे दुकान के मालिक ने जो बोला उस पर ध्यान देना। हाँ, अगर तुम्हें मदद की जरूरत पड़े तो मुझसे कहना, ठीक है? ओके वर्की सर।
आज के बाद रखा हुआ खाना, बिल्ली के लिए दूध, कभी चोरी मत करना, मारना है तो बड़े हाथ मारो। हाँ क्या सर। बाय बाय। क्या संध्या, सी ऑफ करने के लिए इतनी देर से आ रही हो? मुझे कुछ बात करनी है, अंदर आइए। मेरे घर वाले अब सीरियसली मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। पहले जब भी लड़का ढूंढते थे तब कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन कर लेती थी, पर कब तक ऐसा करती रहूंगी? अब मुझसे और ये सब नहीं होगा, अब मैं पापा को सच्चाई बता दूंगी। वर्की हम लोग बाहर चले गए। यही रुकिए सर, पापा को सब कुछ बता दूं? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये बात जाकर पापा को बता दूं? तुम मना करोगे तो तुम्हें अपने दिल से निकाल दूंगी क्या? वो सब मैं देख लूंगी, तुम बताओ कि मुझे क्या करना है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ क्या? करण, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझ पर हाथ उठा रहे हो। तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो करण? अरे तो इतनी सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? क्या गलत पूछ लिया है इसने? हे हे करण रुक, हे कहाँ जा रहे हो तू? हे माफ नहीं करेंगे उसे हम। संध्या तू घर पे जा, मैं उसे बात करके आता हूं, चल। ना सलून में है ना घर में है, आखिर गया कहां? जरूर यही मिलेगा सर। ये कौन सी जगह है, यहां पर भला वो क्यों आएगा? करण का जो होम था ना, हाँ? उसे बनाने वाले को यहीं पर दफनाया गया था। कहां तक भागेगा तू? हाँ आखिर तुम्हें परेशानी क्या है? तुझे पता भी है कि वो तुझसे कितना प्यार करती है और तू हमेशा उसकी बेइज्जती करता रहता है। हे सच बता दे, तू संध्या को क्यों ठुकरा रहा है? हे इन बातों पर मैं यकीन नहीं करता, इसके पीछे कोई और वजह है, वो वजह मुझे जाननी है और मैं बिना जाने यहां से नहीं जाऊंगा। हे नीचे क्यों देख रहा है, आंख मिला के बात करना। क्या बात है, तेरे दिल में कोई और है क्या? अरे नहीं है तो फिर क्या वजह है, बता क्यों उसे मना कर रहा है? बता बता, जब तक नहीं बताएगा नहीं छोड़ूंगा। तू उसको मारना चाहता था ना, मुझे मार, मार मुझे। देख रहा ना, मैं बोलूंगा किसी तो भी बात का जवाब नहीं देना चाहता ये। सर मैंने तो कुछ नहीं बोला सर। तूने नहीं बोला? नहीं सर। मैं बोलूंगा तो आप यकीन नहीं करोगे सर। बोल सकता है? बोल सकता हूँ सर, मगर सुन नहीं सकता। इतने दिनों से तू हमें बेवकूफ क्यों बना रहा था करण? सब लोग तुझसे कितना प्यार करते हैं, उनके सामने तुमने ये नाटक क्यों किया? मैं गूंगा होने का नाटक नहीं कर रहा हूँ सर, बल्कि मैं गूंगा जी रहा हूँ। वही पूछ रहा हूँ क्यों? सत्य मंगल के अंदर मेरा एक छोटा सा गांव था। 6 साल की उम्र तक मैं बात कर सकता था। मेरे पिताजी का एक गन्ने का खेत था और उसी में हमारा घर था। हमारा छोटा सा परिवार था और मैं इकलौती औलाद। वो मुझे राजा की तरह पालते थे। एक दिन पड़ोस के गांव में मंदिर में पूजा थी। हम सारे गांव वाले ट्रैक्टर में जा रहे थे। मैं अपनी माँ की गोद में लेटकर चांद को देख रहा था। अचानक बहुत जोर का धमाका हुआ। मेरी मां करण कहकर चिल्लाई। वही आवाज मैंने आखिरी बार सुनी थी सर। 1 हफ्ते बाद मेरी आंख खुली। मेरे मां बाप के साथ कई लोग मारे जा चुके थे। सिर पे चोट लगने की वजह से मैं बोल और सुन नहीं सकता था सर। 1 ही दिन में मेरी जिंदगी बदल गई। उसके बाद मैं अपने रिश्तेदारों के यहां चला गया। वो लोग मुझे स्कूल भी नहीं भेजते थे।
मुझसे अपने घर का काम करवाते थे। कभी कभी मैं अकेला हूं ये मेरे मन में ख्याल आता था तो मैं बहुत रोता था। 2 साल तक ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जितने पैसे थे लेकर बस में चढ़ गया। उस बस ने मुझे मैटपालयम में छोड़ा। यहाँ नया है, नाम क्या है तेरा? तू गूंगा है क्या रे? हम बोल के भीख मांगते हैं, हमें भीख मिल जाती है। सबसे बोलता हूँ कि मेरी आंखें नहीं है, सब मान जाते हैं। भीख देने वाला यही चाहता है कि भिखारी के माँ बाप भाई बहन कोई भी नहीं होना चाहिए, ताकि वो उस पर दया कर सके। तू गूंगा बन के ना भीख मांगना, देखना बहुत भीख मिलेगी, समझ गया ना? कमी ही मेरी कमजोरी है ये उस दिन समझ आई। भूख मिटाने के लिए एक रास्ता मिला, लेकिन अकेला हूं इस ख्याल से मैं डर जाता था। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया और तभी एक दिन लुईस अंकल आए। जाने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे जैसे वहां बहुत बच्चे थे। बचपन में मुझे बोलना आता था, इसीलिए मैं दूसरों की बातें आराम से समझ जाता था, और वो जगह मुझे बहुत पसंद आने लगी। मुझे वहां बहुत मजा आता था। खेलकूद, पढ़ाई, टीवी में मेरी बहुत दिलचस्पी थी। मेरा अपना तो कोई नहीं था, मगर यहां मेरे बहुत लोग थे। उस जगह को चलाने वाले विक्टर सर मुझसे बहुत प्यार करते थे और उनके प्यार ने मुझे ताकत दी। मैं उनमें ही अपने माता पिता को देखता था। उसके बाद मैं धीरे धीरे बात करने लगा। लेकिन मुझे उसमें खुशी नहीं मिली। माँ, माँ, वहां पर सब गूंगे थे। अगर मैं बोलता तो मुझे निकाल दिया जाता। फिर से मुझे रोड पर भीख नहीं मांगना है, ये सोचकर मैं डर गया था। इसीलिए मैंने ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई। अपने अंदर ही इस बात को दफन कर दिया। विक्टर सर को मैंने धोखा दिया ये सोचकर। मैं ना ठीक से खाना खाता था, ना सो पाता था। जब मैं गूंगा था तब मुझे उतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी अब हो रही थी। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके उनको सच बताने का फैसला किया।
करण जरा दवा देना। सर मैं बोल सकता हूँ सर, मुझे यहाँ से बाहर मत निकालिए सर। उस दिन मेरी आंखों से आंसू नहीं आए और उसके बाद मुझे बोलने का मन ही नहीं किया। 12 साल की उम्र में मैंने ना बोलने की प्रतिज्ञा ली, सोचा यही मेरी गलती की सजा है। उसके बाद मैं वहां से बाहर आ गया और सलून में काम करना शुरू किया। लुईस अंकल ने मुझे अपने एरिया में रहने दिया। वहां जाने के बाद नए नए रिश्ते बनने लगे। मेरे जैसे लड़के को कोई हमदर्दी से देखे तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसी हमदर्दी ने मुझे जिंदगी दी। मेरे गूंगेपन से जो मुझे खुशी मिली, मेरे बोलने से वो खुशी चली जाती, यही सोचकर मैं डर गया था। अब तक उस डर से निकलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने ये किसी पैसे या लालच के लिए नहीं किया सर, मैंने प्यार और रिश्ते के लिए ये सब किया। मैं सबसे ये बात छिपा सकता हूं सर, लेकिन शादी के बाद मैं ये बात कैसे छिपा सकता हूं? संध्या को मैं बहुत प्यार करता हूं सर, पर उसकी हैसियत के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं सर। मुझे ऐसे ही छोड़ दीजिए सर, मैं ऐसे ही जी लूंगा सर। इतनी देर बात करने से गला दर्द कर रहा है सर। तूने इनके बारे में सोचा क्या है? जो बातें ये अपनी पत्नी से नहीं कहते वो हमसे कहते हैं। हमारी दोस्ती इतनी पुरानी है फिर भी तूने आज तक ये सब नहीं कहा। ऐसा लग रहा है कि मेरा दोस्त कहीं गुम गया है। तुझे जो करना है वो कर, मेरा दोस्त करण तू तो नहीं है। ए वर्की, सॉरी सर। देखा ना सर, इसी के लिए तो मैं डरता था। मैं बात करता हूं तो अपनों को खो देता हूं सर। जब मैं शांत रहता हूं तो लोग मेरी खामोशी को समझ लेते हैं सर, लेकिन मेरे दिल की बात कोई नहीं समझता। से बात क्यों नहीं कर रहा? मैसेज करता हूं, रिप्लाई क्यों नहीं करता? पूछ रहा हूं ना। करण तुम बोल सकते हो? क्या चल रहा है ये सब? ये बोल सकता है ये सच्चाई तो इसने आज तक मुझसे भी छिपाई। आप जो कहेंगे वो मैं मानूंगी सर। मैं कोई सफाई देने वाला नहीं हूं, फिर भी कोई ऐसा कर सकता है ये सोचने के बजाय ऐसा करने वाले इंसान के लिए हम क्या कर सकते हैं ये सोचो। सर अगर वो झूठ बोलता तो मैं माफ कर देती, लेकिन उसने तो मुझे धोखा दिया है। ये उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जरा सोचो तो। सर मैंने उसके लिए क्या क्या किया पता है आपको? कितने मंदिर, कितने चर्च, कितने डॉक्टर्स, कहाँ कहाँ नहीं गई मैं उसके लिए। यहाँ तक कि मैंने अपने पापा के एक MLA फ्रेंड से बात भी की थी ताकि करण को लोन मिल जाए और वो अपना खुद का एक सलून खोल ले। अगर मैं पैसे देती तो वो नहीं लेता, इसलिए मैं उसके दोस्त के जरिए ये काम करना चाहती थी, लेकिन उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ठीक है, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ बेटी। सर मैं करण की फीलिंग्स की कद्र करती हूँ, लेकिन उसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया है।
उसने जो किया वो गलत है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में एक ही गलती की है और उस गलती के लिए तुम उसे माफ कर सकती हो। उसे तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ ना, उसकी जिंदगी है, उसे जैसे जीनी है जीने दीजिए, अब मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। देखो ऐसा मत बोलो, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, उसने खुद मुझसे कहा था। प्यार से बढ़कर जो हमदर्दी को महत्व देता है, ऐसे इंसान को मैं नहीं अपना सकती। देखो संध्या, अगर किसी को माफ करने का फैसला कर लिया तो उसका एक ही रास्ता है, बिना कुछ सोचे उसे माफ कर दो बस। थैंक्स करण, वो सब मैं देख लूंगी, तुम जाओ। देखो मैं ठीक से आ जाऊंगी, तू चिंता मत कर, तू जा। बाय। पहले जब तुम्हें देखती थी तब मुझे बहुत खुशी होती थी, पर अब तुम्हें देखकर गुस्सा आ रहा है। तुम्हें अपने आप से घिन नहीं आती? आखिर कब तक ये सब नाटक करते रहोगे? पता नहीं। वो जो कह रही है सही कह रही है, तू और कितने दिनों तक नाटक करेगा? तो अब मैं क्या करूं सर? तू जिसे सच्चे दिल से प्यार करता है उसे जाके सच्चे दिल से बता दे, माफी मांग ले, सब अच्छा ही होगा। उसके बाद मुझे अपनाएंगे या नहीं पता नहीं सर। हे, ऐसा कौन है जो गलती नहीं करता? बड़े से बड़ा आदमी भी खाना खाते समय गिराता जरूर है। तू डर डर के अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर चुका है, समझा? बहुत सालों से ये डर मन में है सर, उसको बाहर निकालना आसान नहीं है। ए, तेरे उस डर को मैं बाहर निकाल रहा हूँ ना। पहले ही मैं वर्की और संध्या को खो चुका हूँ। करण, वर्की और संध्या तुम्हें छोड़ कर गए और विक्टर सर की मौत की वजह तुम नहीं हो करण। सब तुम्हें अपनाएंगे, मुझ पर विश्वास करो, सब अच्छा ही होगा। करण बोल सकता है ये जानकर आप लोगों को शौक लगेगा, लेकिन करण ने ऐसा क्यों किया ये आप लोगों को खुद ही बताएगा। वो सब ठीक है, पहले ये बताइए आप कौन है? मैं इंसान हूँ। तो क्या हम भेड़ बकरी लग रहे हैं? बताइए। तुम इसको जानते हो क्या? ये तो एक्टर विवेक है। एक्टर है क्या? अरे पहले जो बातें हो रही है वो करते हैं ना। देखिए भाई लोग, करण ने अपने दिल की बात इतनी दिनों के बाद आज सबसे कही है, तो इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं ये बताइए। आप क्या बोलने को कह रहे हैं? इतने दिनों तक ये हम लोगों के लिए एक लाडला बच्चा था, लेकिन इसने हम लोगों से अपनी बात छुपाई, बहुत तकलीफ हो रही है। हमारे राशन कार्ड में इसका नाम जरूर नहीं है, पर हम सब इसे अपने परिवार का हिस्सा मानते थे, पर इतने सालों से ये हम सबको बेवकूफ बना रहा था। कितना बेवकूफ बना इसने, बेवकूफ बना के सबकी जायदाद हड़प रहा था ये। देखिए करण बोलने लगे, इसलिए हम कई मंदिरों में मन्नत मांग चुके हैं, ये सोचेंगे कि हमारी मन्नत पूरी हो गई, आखिर वो मेरे छोटे भाई जैसा ही है। तूने सही कहा बेटी, करण बोल सकता है या नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये बहुत अच्छा इंसान है। इतना बड़ा इंसान इसकी तरफ खड़ा हो तो समझ जाना चाहिए कि करण कैसा इंसान है। देखिए, वो सब तो ठीक है, मगर इसकी बातों पर विश्वास कैसे करेंगे? भाई, जब एक वैश्या को पूरा गाँव मिलकर पत्थर से मार रहा था, तब जीसस ने जो कहा वो मैं आपसे कहने वाला हूँ। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसने गलती न की हो। क्यों भाई, तुमने आज तक कभी किसी से कोई बात नहीं छिपाई क्या? ठीक है, वो सब छोड़ो, मैंने गुस्से में कह दिया था, जो हो गया वो हो गया। करण बोल सकता है, अचानक सुना तो गुस्सा आ गया था बस, और कुछ नहीं। इस गुस्से से ही डर कर ये अब तक खामोश रहा अंकल, लेकिन आप लोगों के गुस्से में ही न्याय है, लेकिन ये आप लोगों का ही करण है ना। आप चिंता मत कीजिए सर, कुछ लोगों को कुछ बातें देर से ही समझ में आती है, लेकिन वो समझ जाते हैं। करण बोल सकता है, ये बात हमने आपके मुँह से ही पहली बार सुनी है, लेकिन ये बताइए आप एक दूसरे को कैसे मिले? वो एक लंबी कहानी है, मैं चाहता हूँ कि ये बात करण अपने मुंह से खुद बताए। बताओ करण। कितनी बार ये शहर छोड़कर जाने का सोचा, लेकिन आप लोगों से दूर जाने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन मैंने सर की गाड़ी को गड्ढे से क्या निकाला, इन्होंने तो मुझे ही गड्ढे में गिरने से बचा लिया।
जब गूंगा था तब आप लोगों से बहुत बोलता था, लेकिन जब आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं तो मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे। वो सब जाने दो करण, हम पहले की तरह साथ में रहेंगे। देखा करण, तेरी प्रॉब्लम कितनी आसानी से सॉल्व हो गई। केले को अगर सीधा काटो तो सब्जी बनती है और गोल गोल काटो तो चिप्स बनती है। कैसे काटते हैं इस पे डिपेंड करता है, लेकिन एक बात है, आज के बाद तुम्हें कोई भी हमदर्दी की नजर से नहीं देखने वाला है, सब प्यार की नजर से देखेंगे। प्लीज मूव। सॉरी आने में थोड़ा देर हो गई, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है क्या? वी कैन स्टार्ट नाउ। गई भैंस पानी में। ओ माय गॉड, आप तो वही एक्टर है ना? यस, मैंने आपको एक इंग्लिश मूवी में देखा है। इंग्लिश मूवी में? यस, आई रिमेम्बर, रन नाम की मूवी थी। ग्रेट जॉब, इज अ वेरी फेमस एंड इम्पोर्टेंट एक्टर। या थैंक यू। ठीक है, पूरी रात एक भिखारी के साथ लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। करण को रहने के लिए जगह भले ही मैंने दी थी, लेकिन इसको जिंदगी देने वाले आप हैं। करण, तुमने इतने दिन मुझसे बात नहीं की, मुझे लगा तुम बोल नहीं सकते। क्यों, भगवान को अपने थैंक्स कह दिया? भगवान ने आपको इस जन्म में बेवकूफ बनाकर भेजा है, इसलिए थैंक यू कहने आए हैं। सुना कि कल रात बहुत बड़ा ड्रामा हुआ और उस ड्रामा के सबसे बड़े जोकर आप थे, तब भी आपको समझ नहीं आया कि आप कितने बड़े बेवकूफ हैं। संध्या, ये बात तुम्हें भी कल ही पता चली ना? लेकिन मुझे 4 साल पहले ही पता चल गई थी। करण को टाइफाइड हुआ था, यह बात तुम्हें पता है ना? तब उसका ख्याल मैंने ही रखा था। एक रात की बात है जब वो नींद में ही बातें करने लगा। आपने इस बारे में उससे पूछा नहीं? सोचा तो था कि पूछूं। अगले दिन जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मुझे उससे पूछने का मन नहीं किया। क्यों? सोचा कोई वजह तो होगी कि करण ने अभी तक नहीं बताया, एक दिन बता देगा। कल बता दिया उसने। हो सकता है तुम्हें ये सारी बातें बेवकूफी लगे, पागल समझो मुझे। आई डोंट बिलीव इन यू। आप इन चीजों को इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं? सिंपल, मैं यकीन करता हूं, बस। ए सारथी, लगेज बाहर क्यों रखा है? अंदर रखना। सर एक बार लड़की को फोन करके देख लो कि वो आ रही है कि नहीं। वो नहीं आएगी, डिक्की में रख अंदर। कंफर्म सर, डिक्की को लॉक कर दूं? तू तो लॉक कर दूं ऐसे बोल रहा जैसे अमिताभ बच्चन। अंदर रखना, देर हो रही है। करण, मैं निकल रहा हूँ, मैंने जो कहा याद रखना। हाँ। पहुंच करके फोन करता हूँ तुम्हें। आप तो जा रहे हैं, बोलते कि आता हूँ। ए वर्की, आता हूँ ना। अरे वर्की, तू तो चुप ही रह। क्या हुआ? अंदर आइए सर। वापस? आप लोगों की बातें सुनकर मैंने इसे माफ करने का फैसला किया है। अरे वाह करण, संध्या की बात सुन ली ना? मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ कि दौड़कर चेन्नई पहुँच जाऊँ। सर, और आपने उस दिन कहा हाँ? था ना कि इसके हाँ? दिल में मैं हूँ, ये मुझे पसंद करता है, इसलिए इसका मन बदलने से पहले मैं आ गई। इतना बोलने के बाद भी नहीं समझी? अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना, तो अब क्या है? हमारा फैसला ही काफी है क्या? अपने माँ बाप का क्या? सर अब ये क्या है, रोज कुछ न कुछ ड्रामा करता रहता है। अगर ये ऐसे ही नाटक करता रहेगा तो आप हमारी शादी करवा रहे हैं ऐसा अनाउंस करवा दूंगी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सुनो मेरी बात, तुम बार बार नेताओं की तरह पार्टी मत बदलो वरना सरकार नहीं बनने वाली है, समझी? तुम आराम से घर जाओ, मैं उससे पहले बात करता हूँ, ठीक है ना? नहीं सर, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अरे शांति रखो भाई, शांति रखो। तुम घर जाओ, मैं इसे हाँ करवाता हूँ ना। आप कह रहे हैं इसीलिए मैं जा रही हूँ सर, पर आप हाँ, उसे समझा देना और हाँ, आप ही हमारी शादी करवाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, इन लोगों ने तो मुझे पंडित ही समझ रखा है। करण, जैसे सब कुछ सही होता है फिर तो कुछ उल्टा कर देता है यार। उसके माँ बाप ने उसे कितने प्यार से पाला है, मैं अपनी खुशी के खातिर उसे उनसे अलग नहीं कर सकता सर, सच में मैं नहीं करूंगा। फालतू के डायलॉग मेरे सामने मत बोल भाई,
उसके माँ बाप हाँ बोल देंगे तो तू भी हाँ है ना? ऐसा नहीं होगा, बोलेगा कि नहीं? फ्लाइट का टाइम हो रहा है सर, आप जाइए। अभी दिखाता हूँ तुझे। हेलो, मैं विवेक बोल रहा हूँ। आज मेरा चेन्नई आना बहुत मुश्किल लग रहा है। आज फिर से? अरे नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ काम में फंसा हूँ इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ भाई। मैं भी वहाँ आने के लिए बहुत बेचैन हो रहा हूँ, समझ में आया? अच्छा, इधर सिग्नल नहीं मिल रहा है, आवाज सुनाई नहीं दे रही है, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? किचके हूँ। इतना बड़ा एक्टर मेरे घर पर आए, इस बात से मुझे आश्चर्य हो रहा है, लेकिन आपकी बातों से मैं बहुत शॉक्ड हूँ। सर, करण के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है, वो बहुत अच्छा इंसान है। हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि उनकी बेटी शादी करके अच्छे घर में जाए, तो हम क्या गलत सोच रहे हैं? बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन करण उसे एक बेहतर जिंदगी दे सकता है, ये संध्या को यकीन है। सर, हम लोगों की भी लव मैरिज है। जब इसके पिता के पास मैं इसका हाथ मांगने गया, तब मैं हर तरह से सक्षम था, मुझे इनकार करने की कोई वजह नहीं थी उनके पास। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, बस अपनी अंगूठी निकाल कर मेरी उंगली में डाल दी। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ जानते हैं? मैं जानता हूँ सर, आप कहना चाहते हैं कि करण सक्षम नहीं है ना? हाँ, वो कौन है, किस फैमिली से है, हमें कुछ भी नहीं पता, किस भरोसे हम अपनी बेटी को उसे दें? अपनी बेटी के भरोसे? आपका कहना है कि वो ईमानदार है, कल तक वो गूंगा था लेकिन आज वो बोलता है, इसमें ईमानदारी का है सर? आजकल के बच्चों को हर चीज में जल्दबाजी रहती है, फ्रीडम चाहिए उन्हें लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, कैसे मैं इनके ऊपर यकीन कर लूं? एक जमाने में लोग कहते थे फोटो निकालने से उम्र कम हो जाती है, लेकिन आजकल के बच्चे तो सेल्फी पर सेल्फी लेते रहते हैं, ये जनरेशन गैप है सर। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं सर, लेकिन हम उन पर यकीन नहीं कर पाते। एक दोस्त होने के नाते आप मेरी बेटी के प्यार को सफल करने की सोच रहे हैं, और एक बाप होने के नाते मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी बेटी जिंदगी में हार न जाए। बाप और दोस्ती के बीच में कितना अंतर है ये आपको पता होगा, मुझे यकीन है। आप वहां क्यों गए सर? मैंने आपको पहले ही कहा था ना। ये भी ट्राई करके देख लो, यही सोच कर गया था। फिर उन्होंने आपसे क्या कहा? कुछ नहीं होगा यही कह रहे थे। मेरे लिए आपको बेइज्जत होने की जरूरत नहीं है सर, आप अपने शहर चले जाइए। हाँ, जाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। इसको यहाँ गर्मी लग रही है सर। सारे लोग पोकेमॉन पिकाचू को ढूंढना शुरू कर चुके हैं और तुम अभी तक विवेक को ही ढूंढ। एक्चुअली मैंने कल विवेक को देखा था। सच में सर? हाँ, वो कल चेन्नई पहुंच जाएंगे, दो दिन के बाद शूटिंग रख सकते हो, ऐसा तुमसे बोलने के लिए मुझसे कहा। विश्वास कर लूंगा सर। तुम्हारे बारे में कुछ कहने के लिए कहा है, बोलूं तो विश्वास करो? नहीं बोलिए ना सर, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। चलिए सर आप बोलिए ना। एक बार चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए रखा हुआ दूध तुमने पी लिया था, ये उसकी माँ ने देख लिया और चप्पल। मैं आपकी बात का यकीन कर रहा हूँ सर, यकीन कर रहा हूँ, आप मिलते ही बोल दीजिएगा। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूँ सर, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो बहुत सिंपल है, जितना हम लोगों ने खाया उसका बिल तुम भर देना। सारा लगेज अंदर रख दिया ना वर्की? हाँ सर, रखवा दिया है। करण ये लो। ये क्या है सर? कुछ नहीं, तेरे लिए बैंक लोन का इंतजाम किया है। सर आप ये क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा हूँ भाई, तुम जो लोन लेने वाले हो उसके लिए सिक्योरिटी साइन किया है बस, और अगली बार जब मैं आऊं तो तुम्हें उस दुकान का ओनर देखना चाहता हूँ, ठीक है? क्या हुआ, फीलिंग्स? कुछ नहीं सर। हाँ एक बात बोलना भूल गया, ऑनर बनने के बाद असिस्टेंट चेंज कर लेना सर। बस ऐसे ही पंच मारा था, ये देखो हंसने लगा, हंसने लगा ना, इसे रखो मैं चलता हूँ। थैंक यू सर, कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है? ओके सर, मैं कहता हूँ 5 मिनट वेट करते हैं। किस लिए? वो लड़की फिर से आ सकती है सर। ए, गाड़ी निकालो, बेवजह का दिमाग लगाता है। हेलो सर, मैं संध्या बात कर रही हूँ। संध्या बोलो। सर गाड़ी रोक दूं क्या? ए, तू चलाता रह। हाँ बोलो। कुछ नहीं सर, आपको थैंक्स कहने के लिए फोन किया था। थैंक्स किस लिए? आपने मेरे पापा से बात की थी ना? हाँ की थी। मेरे पापा ने मेरे लिए लड़का पसंद कर लिया है और अगले हफ्ते हमारी सगाई है। अरे बाप रे, इसलिए मैं घर से भाग गई। अरे संध्या देखो कुछ गलत मत करना प्लीज। चिंता मत कीजिए सर, आत्महत्या नहीं करूंगी। अच्छा ये बताओ तुम अभी कहाँ? यही पास में हूँ अपनी एक फ्रेंड के यहाँ, शाम तक वेट करूंगी, अगर करण बुलाएगा तो आ जाऊंगी, उसे बता दीजिएगा। बाय सर। संध्या 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 संध्या, ड्राइवर साहब जरा गाड़ी रोकेंगे? ए रुक 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 रुक, एक मिनट फोन आ रहा है। हाँ हाँ हेलो सर, ऐसा क्या? हाँ हम लोग आ रहे हैं सर। क्या? विवेक सर को हम लोगों से तुरंत मिलना है, चल। क्या हुआ? हाँ हाँ मैं ही हूँ, यहाँ सब ठीक है, चेन्नई में गर्मी कैसी है? ठीक है क्या बात है? नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस बार भी चेन्नई नहीं आ पाऊंगा, कुछ ऐसी बात है कि वो
सुनो, देखो, इस तरह से गाली मत दो दादा परदादा को, तुम गाली क्यों दे रही हो? हाँ दादाजी एक बार दान पेटी से पैसे लेकर आ गए तो तुम उनको इतना गाली दोगे क्या? मैं आकर के वहां पर बात करता हूँ तुमसे। नेटवर्क नहीं है, मैं फोन रखता हूँ अभी। टोटल फैमिली डैमेज है क्या सर? ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। ट्राई करूंगा सर। हेलो सर, उनका नाम क्या बताया आपने? सेंदिल कुमार। ओके सर, मैं उनसे बात करता हूँ, फिर भी एक बार आप बोल देते तो। थैंक यू सर, वेरी काइंड ऑफ यू सर, वेरी काइंड ऑफ यू। करण इधर आ, इधर आ। सर क्या हुआ सर? तू मेरी कार ले और सीधा संधगिरी जा। संधगिरी क्या? अरे वो कोई रत्नागिरी जैसा कोई गांव। कोतगिरी क्या? हाँ कोतगिरी जाकर संध्या को एक फोन कर। नहीं एक काम कर, उसे मैसेज कर, वो आ जाएगी, उसे लेकर आ जा। मैं क्यों लेकर आऊँ? वो जिद से भाग गई तो मैं क्या करूँ? देख करण, उसके इस तरह से घर से भागने की वजह मैं ही हूँ यार। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। प्लीज यार, तू जल्दी से ये गाड़ी लेकर जा प्लीज यार। अरे यार, हमारी 6 फुट के इंसान को 7.5 ही लग गई है। सर अब मैं क्या करूं? तेरे सास को जिस बैल ने मारा था उसे बुला और बोल कि तुझे भी पीछे से मार दे। जब देख उल्टा सीधा सवाल पूछता रहता है। तू अभी यहीं खड़ा है, ए बाइक निकाल। सर मैं एक बात बोलूं आपसे? आपके पास हर समस्या का तुरंत समाधान होता है। कैसे? एक काम कीजिए ना, आमिर खान और शाहरुख खान को एक बार फिर से साथ में काम करने के लिए रेडी करवाइए ना। अच्छा सनी देओल को बुलाऊं क्या? वो आकर क्या करेगा? अगर वो आ गया तो तुझे उखाड़ देगा। बाइक स्टार्ट कर। इससे अच्छा तो मैं किसी हीरोइन के यहाँ काम करता, कम से कम एक कुत्ता तो संभाल लेता। ए भाई तेज चला लेकिन संभल के चला। अरे सर मैं धूम की जॉन अब्राहम की तरह बाइक चलाता हूँ, आमिर खान की तरह बाइक चलाता हूँ, मेरी तरह बाइक कोई भी नहीं चलाता। ए वर्की तू किधर है? आपके पीछे हूँ सर। अरे तू आगे था, पीछे कब चला गया? अबे नालायक, तुझे फिल्मी स्टंट करने का बहुत शौक था ना, अपने शौक में तूने मेरा क्या हाल कर दिया? पता नहीं कोई हड्डी भी बची है कि नहीं। अरे उठ रे, बाइक से सीधा पाइप पर बिठा दिया। बाइक उठा, स्टार्ट कर इसे, देख स्टार्ट होती है कि नहीं, कोशिश कर। अरे तू हवा मार रहा है क्या? मुझे पता था तुम जरूर आओगे। सर स्टार्ट हो रही है, तेरे ऊपर भरोसा करूं तो मेरा कोई काम नहीं होगा। जा रहे हो? सब पैसा चला जाता हूं। विवेक सर, सर 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 एक सेल्फी सर प्लीज सर। तुम्हें घर से भागने की क्या जरूरत थी? ना तुम समझते हो और ना ही पापा, तो मैं क्या करूं? पता है माँ बाप के बिना जीना मुश्किल होता है। तुम्हारे बिना भी जीना मुश्किल है मेरे लिए। सर सर आप यहाँ? सर मनी तू यहाँ थाने में कैसे? सर शक के केस में ये लोग मुझे यहाँ उठा कर ले आए। वो तो ठीक है, लेकिन तेरे चेहरे पर ये सब निशान कैसा है? और ये टोलना का क्यों खोल रखा है? इन मैडम की चाय में शक्कर कम थी इसलिए इन्होंने मुझे बहुत मारा। सर आप इनसे बात करके मुझे ऐसे निकाली ना। तेरी प्रॉब्लम बाद में देखता हूँ मैं। आइए सर बैठिए ना। कमिश्नर साहब ने फोन करके बताया था कि आप आएंगे। क्या हुआ सर, एनी प्रॉब्लम? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, दरअसल मामला कुछ और है। बताइए ना सर। क्यों सबको परेशान कर रही हो? तुम्हारी वजह से विवेक सर घर नहीं जा पा रहे। अगर तुम हाँ कह देते तो ये सब नहीं होता। कितने बार बोलूं, समझ नहीं आता क्या? नहीं। लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं? बिल्कुल बालिग हैं। तो ठीक है, आप दोनों को यहीं बुलवाइए, उनकी शादी यहीं करवा देते हैं। इधर ही? अभी तक मैं 10 शादियां करवा चुका हूँ सर। हाँ। मेरे साथ यहाँ के सारे इंस्पेक्टर भी मंत्र पढ़ते हैं सर। बहुत अच्छी बात है ये तो। हेलो बोलिए ना सर। तुम दोनों जितनी जल्दी हो सके एसपी ऑफिस में आ जाओ। वहाँ क्यों सर? तुम्हारे अच्छे के लिए है, जल्दी से आ जाओ बस। करण सर हम दोनों को एसपी ऑफिस में बुला रहे हैं। पता नहीं कोई तो वजह होगी। सर मेरी पुलिस बुला रही है। आपकी कौन सी पुलिस? मेरी वाइफ सर। हेलो बोलो। क्या है? इम्पोर्टेंट काम है बोलकर कीचड़ में क्यों भाग रहे हो? कीचड़ में? वो पुरानी फिल्म की कोई तस्वीर देख ली होगी तुमने, रन फिल्म में भी तो ऐसा एक सीन। वो पहले किसी ने आपकी फोटो फेसबुक
फेसबुक पे डाली है, मेरी इज्जत का कचरा कर रहे हो क्या? नेटवर्क बहुत खराब आ रहा है। हेलो 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 हेलो, बाद में बात करता हूँ। क्यों, क्या हुआ सर? मेरी जॉगिंग की फोटो किसी ने निकाल कर फेसबुक पर अपलोड कर दी, क्या करो? यही पर है। ए, टर्न क्यों ले रहे हो? ए, वो देखो तुम्हारा दोस्त करण। करण रुक, करण रुको। ए, करण क्या कर रहा है? सर, करण गाड़ी से दूसरी तरफ जा रहा है। ए, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या हो गया है तुम्हें? करण, करण छोड़ो, करण मेरा हाथ छोड़ो। आपने जिस लड़के से इसकी शादी तय की है वो इसे पसंद नहीं, इसलिए भाग गई थी। अच्छा हुआ वक्त पर मुझे पता चल गया, इसलिए आपकी बेटी को आपके पास लाया हूं। सर, ये सच है कि आपकी बेटी मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन आपकी सहमति के बिना ये नहीं होगा। मां बाप के बिना जीने का दर्द मुझे पता है सर। माँ बाप के बिना जिंदगी कैसी बीतती है सर, ये मुझसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता। मैं वादा करता हूं कि आपको और आपकी बेटी को आप लोगों से अलग नहीं होने दूंगा। मैं चलता हूं सर। पापा, मैं इससे प्यार करती हूं और किसी और से शादी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन अब मैं कह रही हूं पापा, अगर वो लड़का इससे भी अच्छा इंसान हुआ तो मैं उससे शादी कर लूंगी। सर, मुझे माफ कर दीजिए। कल आपने पैसे और स्टेटस के बारे में बहुत बात किया था सर। अगर उसे पैसे का लालच होता तो वो कब का इसे शादी कर चुका होता सर। शादी का सारा इंतजाम मैंने खुद किया था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है। जब लड़कियां प्यार से इनकार करती हैं तो लड़के उनके चेहरे पर एसिड तक फेंक देते हैं, जबकि वो जानता है कि ये उससे प्यार करती है, फिर भी वो आप लोगों का राजीनामा चाहता है। ऐसी ईमानदारी मैं पहली बार देख रहा हूं। सर, आपकी बेटी जैसा कह रही है ना, अगर आपको उससे अच्छा लड़का मिल जाए तो इसकी शादी उसे करवा देना। अगर मेरी वजह से परेशानी हुई हो तो मैं माफी चाहूंगा। एक बात और कहूंगा सर, करण बहुत जल्द उस सैलून का मालिक बन जाएगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। बैंगलोर में एक सैलून वाला रोल्स रॉयस कार में घूमता है, आपके पास नहीं है, यहां तक कि मेरे पास भी नहीं है। चल करण। करण, करण नहीं। Oh,
हजारों बार आया हूँ, लेकिन इतनी खुशी लेकर कभी वापस नहीं गया। एक दोस्त के लिए यहाँ आया था, ढेर सारे दोस्त यहाँ पर बनाकर जा रहा हूँ। चलता हूँ करण। थैंक यू सर। चलता हूँ संध्या। थैंक्स अंकल। जल्दी से नाना बनाओ। बहुत जल्द अच्छी खबर सुनना चाहता हूँ, पूरे परिवार के साथ आऊंगा। ओके। हाय।